फ्रेंड्स, बंदर की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रामदाने का लड्डू, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें फाइबर मिल होता है रामदाने में। इसमें इसे कई लोग और कुछ बोलते हैं रामदाने को। और रामदाना इसे मुझे भूंजना है। और ये गुड़ है, गुड़ से हम बनाएंगे। आप चाहे तो शक्कर से बना सकते हैं और चाहे तो गुड़ से बना सकते हैं, तो हम गुड़ से ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये देखिए गैस पे अपनी कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई भी हमारी अच्छी गर्म हो गई है। अब मैं इतना आपको ध्यान देना है, रामदाने को भूनते समय कढ़ाई अच्छी गर्म होनी चाहिए। जब कढ़ाई अच्छी गर्म रहती है तभी अच्छे से लावा हमारा इसका फूटता है रामदाने का। और हमें इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखिए हम इतना रामदाना डालेंगे और किसी कॉटन के कपड़े से जो है ऐसे इस तरह से कपड़ा फैला देंगे, नहीं तो ये पता है ये इतना ऊपर उड़ेगा तो पूरा निकल के बाहर चला जाएगा। इस तरह से ये देखिए ये सारे हमारे लावे फूट गए अच्छे से। इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे, किसी कॉटन के कपड़े से करना है। और इसी तरह से हम अपने सारे रामदाने को भूंज लेंगे। इसे कहीं कहीं राजगीरा भी बोलते हैं रामदाने को, हम लोग के यहाँ रामदाना ही बोलते हैं। और ये व्रत में खाया जाता है। इसी तरह से हमें सारे रामदाने को, देखिए कितना अच्छा फूल गया, इसी तरह से हमें सारे रामदाने को भूंजना है। ये देखिए मैंने अपने सारे रामदाने को भूंज लिया। देखिए एक छोटी कटोरी से मैंने रामदाना लिया था और इतने सारे लावे हो गए उसके फूल के। और अब मैंने गुड़ लिया है, अब इसको डाल दूंगी इसमें। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे चलाएंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरी कढ़ाई जो थी एकदम गर्म थी, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। क्योंकि अगर बंद नहीं करती तो गुड़ हमारा जल जाता। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, ना तो एक पानी डाला ना तो घी डाला, गुड़ अपने आप पिघल गया क्योंकि कढ़ाई हमारी एकदम गर्म थी। इसे बस डाल के इस तरह से चलाते रहेंगे तो क्या है कि गुड़ हमारा जलेगा नहीं और पिघल रहेगा। ये देखिए गुड़ हमारा पिघल गया अच्छे से। मैंने गैस बिल्कुल नहीं जलाया, जितनी कढ़ाई हमारी गर्म थी बस उसी में गुड़ पिघल गया। मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं, आपको दिखाया ही था। और ये थोड़ा सा जो रामदाना मैंने भूना था उसको ना ऊपर से छान लिया, ये नीचे थोड़ा सा बच गया है जो ये कि नहीं फूला था। इसको मैं निकाल दूंगी। अब मैं ये लावा अपना सारा डाल दूंगी गुड़ में और इसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसका लड्डू बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे जमा भी सकते हैं किसी खाने में। अब मैं हाथ में अपना थोड़ा सा घी लगाऊंगी बस। ये देखिए मैं इसे इस तरह से, आप जितना छोटा बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। इसे थोड़ा क्या है जल्दी ही करना, नहीं तो अगर सूख जाएगा तो ये इसका लड्डू हमारा बनेगा नहीं। ये देखिए रामदाने के लड्डू हमारे बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना होता, बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आप गुड़ गलाए हो और रामदाना डाल रहे हो तब थोड़ा जल्दी जल्दी करना, क्योंकि अगर जल्दी नहीं करोगे तो आप बना नहीं पाओगे। और जल्दी से रामदाने क्या होते हैं ये सूख जाते हैं, फिर आप लड्डू बना नहीं पाओगे। बस इतना थोड़ा सा ही ध्यान रखना है और आप भी बहुत अच्छा लड्डू रामदाने के बना के तैयार कर लेंगे। प्लीज़ दोस्तों अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।